नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में 24 घंटे में मिले कोरोना के 63 नए केस, 34 लोग हुए रिकवर, 3 की मौत। CBSE 12वीं रिजल्ट, 70,000 छात्रों ने पाए 95% से ज्यादा अंक, 1,50,090% के पार। हरियाणा, हर जिले में होगा विशेष गो संरक्षण टास्क फोर्स का गठन, जारी हुई अधिसूचना। एलोपैथी की दवा से लाखों मर गए, स्वामी रामदेव के बयान पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस। पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंची, भारत की एक और मेडल की बड़ी उम्मीद। अफगानिस्तान में तालिबान, चीन और पाक ने बनाई तिकड़ी। कुणाल पांड्या के बाद कोरोना की चपेट में आए यजुर्वेंद्र चहल और कृष्णप्पा गौतम श्रीलंका में ही रुकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक बरकरार, अब 31 अगस्त तक के लिए बड़ा प्रतिबंध। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, झारखंड सरकार से एक हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के पार, बाढ़ का अलर्ट जारी, निचले इलाकों से लोगों को हटाने का काम शुरू। संसद में विपक्ष का हंगामा जारी, सरकार बोली जनता से जुड़े हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। पूछताछ के बहाने बांग्लादेशी महिला से रेप करने के आरोप में BSF का जवान गिरफ्तार। दिल्ली विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पर खड़े नहीं हुए अधिकारी, स्पीकर ने मुख्य सचिव को दिया कार्रवाई का आदेश। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।